हे गाइस, वेलकम टू बाबा सब कुछ। तो आज हम करने वाले हैं ट्रेलर रिएक्शन ऑफ रश्मि रॉकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने बहुत सर पे चढ़ा रखा है इसे, कभी मेरी नहीं सुनती। ए, वो खुद की सुनती है ना, वो सबसे बड़ी बात है। सही बात। मुझे थोड़ी ना बनना था एथलीट, जिस देश के लिए मेडल जीते ना, उसने एक चुटकी में इतनी जोर से गिराया कि क्रैश हो गया तेरा रॉकेट भानु बहन। बहुत तेज दौड़ती है बचपन से। देख जो मेरी माँ है ना, उसने पूरे गांव का ध्यान रखा हुआ। जब मैं प्रतियोगिता में भागने जाऊंगी ना, तो तू उसका ध्यान रखना। क्यों पसंद? एक्चुअली ना, मुझे बचपन से एक फौजी बॉयफ्रेंड चाहिए था, बस बात यही है। I think we can all agree कि इसे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? ब्लड टेस्ट लेना है रश्मि। आप अंदर से ही हो, सारे कपड़े उतार लीजिए। सारे कपड़े? आज नहीं तो कल इसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली थी, क्योंकि लड़की कम लड़का ज्यादा है ये। वैसे रश्मि के बैन का आपको फायदा हुआ होगा ना? देश को हुआ है। एटलीस्ट वी डोंट हैव अ फ्रॉड इन आवर टीम एनीमोर। एसोसिएशन जेंडर टेस्ट के नाम पे काफी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करता है। मैं रश्मि की तरफ से हाई कोर्ट में केस फाइल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारी गांव की लड़कियां इस रश्मि की तरह बने। लड़के जैसे कमजोर। रश्मि वीरा ने इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के लिए एक पिटीशन दायर किया। अब मैं खुद से लड़ गई हूं, अब मैं हद से बढ़ गई हूं, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूं। ये लड़ाई उन सब औरतों के लिए है जो एक बेतुके टेस्ट की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। वो सारे एथलीट्स, इस देश की बेटियां, इस कोर्ट से ये उम्मीद तो कर सकती हैं कि उनकी सुनवाई हो। अब मैं खुद से लड़ गई हूं, अब मैं हद से बढ़ गई हूं, जो चाहे कर। ये सारे मेडल मैंने इस कंट्री के लिए जीते हैं ना, तो जस्टिस भी मुझे यही चाहिए। अब मैं खुद से लड़ गई हूं, अब मैं हद से बढ़ गई हूं, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं खुद पे अड़ गई हूं। हार जीत तो परिणाम है, कोशिश हमारा काम है। सही बात है। क्या डायलॉग है, एब्सोल्युटली ऑसम। ओके, फुल ऑन फाड़ो। आई मीन ये ऐसा जोश द लास्ट टाइम मुझे जब मिला था वो था फरहान अख्तर का मिल्खा सिंह में। उसमें भी यही जो जोश है वो मूवी में, वो आप पे दिख के आता है। आई मीन ऑसम। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल तापसी पन्नू ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है एक्टिंग वाइज। अदर देन दैट स्टोरी लाइन इट्स गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक कि ये एक्चुअली किसके ऊपर बेस्ड है। इट मस्ट बी ऑन समवन रियल लाइफ स्टोरी रहेगी मे बी। ये किस पर बेस्ड है, एक मिनट। बेस्ड ऑन ओके इज ओरिजिनल स्टोरी ऑन नंदा पेरिश्रियम सीमा। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट। नहीं तो डायरेक्टर है। ओके, हैज डायरेक्टेड फॉलोड द प्रोफेशनल। ओके, सो बेसिकली किसी पे बेस नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट बेसिकली ये मूवी का जो मुझे प्लॉट समझ में आया, इट्स ऑल अबाउट जेंडर बायस रिगार्डिंग द फीमेल एथलीट्स एंड मेल एथलीट्स, और जेंडर टेस्ट के ऊपर उन्हें किस तरह से डिसक्वालीफाई किया जाता है, या फिर उनको मतलब ये करते हैं तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। अभी एक ऐसी एथलीट है जो देश के लिए इतनी सब अपनी खून पसीने करने के तैयार है, बट ड्यू टू सम टेस्ट, फालतू के टेस्ट की वजह से उसको टीम में से और उसको वो रिप्रेजेंट करने में से उन लोगों को उसको डिसक्वालीफाई कर देते हैं। सो आई लाइक दैट थिंग जहाँ पे वो ये कोर्ट रूम में बोलते हैं ना उसको, ये वाला डायलॉग।
इस देश की बेटियां इस कोर्ट से ये उम्मीद तो कर सकती हैं कि उनकी सुनवाई हो। उम्मीद तो कर मैं बहुत कुछ खो देते हैं टेस्ट की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत। ये लड़ाई उन सब औरतों के लिए है जो एक बेतुके टेस्ट की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। सही बात है। वो सारे एथलीट्स, इस देश की बेटियां इस कोर्ट से ये उम्मीद तो कर सकती हैं कि उनकी सुनवाई हो। एब्सोल्युटली। आई मीन इफ देयर इज रॉन्ग यू हैव टू स्टैंड फॉर दैट एंड यू हैव टू गेट अ जस्टिस फॉर योरसेल्फ। आपकी लड़ाई खुद की है और आपको लड़नी चाहिए एंड यू हैव टू बी फाइट फॉर इट। ठीक है, हम इंडियंस है, हमारे खून में है आजादी के लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना। इसीलिए हम लोग ने, हमारे देश में भगत सिंह और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। सो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टैंड फॉर व्हाट्स ट्रूथ एंड ऑलवेज फाइट फॉर योर ओन जस्टिस। सो दैट्स व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लाइफ में भी आपको ये अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। खाली मूवी देख के नहीं होता है, आपको आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये आपको फाइट फॉर। एंड ग्रेट टू सी, आई डोंट नो, अभी मुझे सच्ची में इसका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा पता नहीं। अगर ये किसी पे बेस्ड है स्टोरी देन इट्स रियली, आई मीन रियली रियली वेरी गुड। बट इफ उसका जो पीछे डील, उनका जो इंटेंशन है, इट्स ह्यूज। ह्यूज मीन ह्यूज। ऐसे कितने सारी लड़कियाँ हैं, कितने सारे उनके गोल्स है, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट इन कॉरपोरेट लेवल ऑल्सो एंड बिजनेस लेवल ऑल्सो। उनको उतना एंटरटेन किया नहीं जाता जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर फीमेल्स एंड। बट दिस मूवी शोज कि हाउ यू कैन बी फाइट अगेंस्ट ऑल दिस थिंग। इट्स वेरी नाइस, आई लाइक दैट। एंड तापसी का काम अच्छा लगा। उसके अलावा देर इज अ पर्सन आई वॉन्ट यू गाइज टू रिकोगनाइज दिस गाय कि ये बंदा कौन है और इसको आपने कहाँ पे देखा है। ठीक है, आप क्यों, ये वाला बंदा, ये बंदा आपने इसको कहाँ पे देखा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई नो आई कैन रिकोगनाइज हिम। आई वॉन्ट यू गाइज, अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज में था, आई कैन टेल यू दैट। आई वॉन्ट गिव मोर देन हिंट, अमेजोन प्राइम पे आती है। चलो ये भी आपको मैं हिंट दे दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये बंदे को आपने कहाँ पे देखा है और ये बंदे का वो सीरीज में कैरेक्टर का नाम क्या है। एक्चुअली ना मुझे बचपन से एक फौजी बॉयफ्रेंड, देखो यहाँ पे भी आप उसको पहचान सकते हैं। इसे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इफ अ पर्सन हैज अ क्रेडिबिलिटी एंड ही इज वर्किंग हार्ड मच, आई मीन हार्ड वर्क, एंड अगर वो जस्ट सब चीज़ें में एक्सेल कर रहा है बट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स एंड ही वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया एट अ ग्लोबल लेवल, तो वो सब चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए आई फील। क्योंकि देश से बढ़कर तो कुछ नहीं है, उसको भी देश के लिए करना है, ऐसे तो नहीं खुद के लिए कर रहे। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? ब्लड टेस्ट लेना है रश्मि, आप अंदर जाइए, सारे कपड़े उतार लीजिए। सारे कपड़े? आज नहीं तो कल इसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली थी, क्योंकि लड़की कम लड़का ज्यादा है। वैसे रश्मि के बैन का आपको फायदा हुआ होगा ना? देश को हुआ है। At least we don't have a fraud in our team anymore. नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मूवी का जो लास्ट डायलॉग है ट्रेलर में, इट्स वन ऑफ द ऑसम डायलॉग आई हैव एवर हर्ड इन रिसेंट टाइम। I mean related to motivation. हार जीत तो परिणाम है, कोशिश हमारा काम है। सही बात है, हार जीत तो परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। सही बात है, absolutely. फल की चिंता मत करो, क्रिया करते रहो, बस भगवान कृष्ण ने कहा है। By the way, Z5 पे आ रही है, 15 अक्टूबर प्रीमियर है। Z5 का सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है, आप ले सकते हो। 999 में ईयर का मिलता है एंड 15 अक्टूबर। लेट्स सी कैसा है मूवी में, थिएटर में तो थिएटर में आगे प्रॉब्लम होना चाहिए, आना चाहिए, अभी थिएटर थोड़ा ओपन अप हो गए। सो आई होप आपका ये ट्रेलर रिएक्शन पसंद आएगा। आपको ट्रेलर रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अरे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना। हमें सब्सक्राइबर्स की और व्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। आप ऐसे सपोर्ट करते रहोगे, हमारा चैनल ग्रो हो रहेगा और हम हमारे चैनल पे आप लोग के लिए कंटेंट बनाते हैं, हमारे लिए कंटेंट नहीं बनाते हैं। आप रिकमेंड करो
वो हम लोग आपको दिखाएंगे, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलना, नोटिफिकेशन से आपको मालूम पड़ेगा कि कोई नया वीडियो आया या नहीं, ठीक है। तो टिल देन कीप वॉचिंग बाबा सब कुछ।